ये खास प्रोग्राम जो सुनते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि आज जनवरी की 11 तारीख है और बुजुर्ग शनिचर के सूरीनाम में ये डॉक्टर सूफी रेडमोस्ट्रात में शुरुआत हुआ एक प्रोटेस्ट आक्षी। ये सिब्रानो पीके के द्वारा ये प्रोटेस्ट आक्षी शुरुआत हुआ है। ये आक्षी इसलिए कि ये लोग ने सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, वैखमे चान वैखमे आईएमएफ वगैरह वगैरह है इस लेखदार, ये सब बात उन्द्र बम से ये लोग ने शुरुआत की और ये लोग पहुंचा जहां आउट फ्लाखन फ्लाखन मस्त है, जहां नेशनल असेंबली साइट, ये लोग ने कोशिश किया नेशनल असेंबली में भीतर जाने के लिए, लेकिन वहां पुलिस ही था, इसी कारण से वो लोग अंदर जा नहीं सका। उसके बाद में मरीडस बी से मुलाकात करना चाहा, वो ने कहा कि हम रास्ता पर है, आप लोग से बातचीत करने के लिए मैं आ रहा हूं, लेकिन वो आया नहीं। तो ये बात पता चला है, प्रतस आक्षी तीख बविंट रखी रही संतोखी ब्रिंस लाइक भाई बहनों न। तो ये मामला था, आप लोग शायद देखे होंगे अनेक अनेक प्रकार के लोग इसमें भाग लिया है। कोविड 19 जो था दिसंबर 2020 में, ये मिनिस्टर अमर रमाधीन फन फॉर सुसों थे कल रात्रि को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसको बढ़ा दिया गया है, इसको बढ़ा दिया गया है और आफ ऑन क्लॉक वो 7 बजे रात से शुरू होते हैं 5 बजे सवेरे तक, और जितना मातृकरण पहले से था वो मातृकरण वैसा ही रहेगा, कहां बंद है कहां खुला रहेगा वो सब बात आप जानते हैं। हमारे जनता, ये मामला जो है मैं आप लोग के सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आज मुझे पता चला है कि नया लोग जो कंट्रोल किया गया है 24 घंटे के भीतर में, तो वो है सेस्टर, कल था फिरंदी खंतक, आज है सेस्टर। एक मतलब ये है कि रोजाना इस वक्त बसमैटिंग जो लोग है वो ऐलान किया जाता है, नया है सेस्टर। 100 एंड्रियन डर तक लोग देहांत हो चुका है इस बसमैटिंग से, 100 एंड्रियन डर तक लोग का मौत हो गया है। इस वक्त इंटेंसिव केयर में 13 लोग हैं और जो एक्टिव है वो 619। नया 24 घंटे के अंदर में 60 लोग बसमेट हुआ, जो इस वक्त यानी इन लोगों को सिक है इसमें दाखिल किया गया है। प्यारे जनता, हमारे देश के निवासियों, ये सब बात बार बार हम लोग कहते हैं कि अब तो संभल जाओ, अब तो समझ जाओ, ये मामला चढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, हमारे देश जनताओं को इसमें बहुत से हानि होगा, लेकिन लोग मानने के तैयार होता ही नहीं। कल रात्रि को 100 एंड फिरन जीफन तक लॉकडाउन ऊपर त्रीजस को गिरफ्तार की गई है, कल रात्रि को 100 एंड फिरन जीफन तक लोग को यानी लॉकडाउन ओवर ट्रेडर्स, जिन लोगों को प्रोसेस फरमाल बनाई गई है और जिन लोगों को अब डांट भी भरना पड़ेगा। ये भाई बहुत शर्म की बात है कि हमारे सूरीनाम की जनता, हमारे देश के निवासियों यानी सरकार के कानून को ठुकराता है। सरकार ने ये लॉकडाउन के बारे में कहा 7 बजे के बाद डांप मत आना 5 बजे सवेरे तक, क्योंकि ये कोविड-19 बस में आते फैलते जा रहा है, लेकिन लोग मानने के तैयार नहीं और 174 लोग को रात्रि को गिरफ्तार की गई और उन लोगों को प्रोसेस फरमाल बनाई गई उन लोगों पर और उन लोगों को डाल लगेगा। तो ये सब बात जरूरी था जनता तो पहुंचाने के लिए। एक जगह स्ट्रीट पार्टी मौसम तो आपके बता सकते हैं, और द क्रेशिंग फन एर सूरज बली और सुमिंत्रा स्त्रात, सूरज बली सुमिंत्रा स्त्रात,
हाहाकार करके नचनिया लोग नाच रहे थे बाप, नहाकार करके तूफान की तरह, यानी कि उत्सव था। इसी कारण से स्ट्रीट पार्टी की बात हम करते हैं। स्ट्रीट पार्टी के मतलब ये कहा कि जमुआ पर नचैया हो रही थी जाम पर तूफान की तरह। 11 बजे रात्रि को पुलिस जी पहुंचा वहां और स्त्री, ये सोनी पॉइंट के आसपास की बात है, स्ट्रीट पार्टी खान दफान सोनी पॉइंट। सिपाही वहां गए हैं, सेवन लोग को समझाया कि घर जाओ घर जाओ, और कितने मान गया है, कितने वही भाई हिलते रहा वहां ना। तो द पुलिस चीफ द बीस द मेंशन टून आंख द प्लास्टर फॉर लाटन। एक घंटा और ये डेढ़ घंटा लगा लोग को जाते जाते, चुर्री मारत मारत भैया मारे चुर्र से, वहां से एकदम 2 किलोमीटर उसका चुर्री के आवाज पहुंच रहा था। तो ये माला ये समस्या हुआ स्ट्रीट पार्टी, स्ट्रीट पार्टी भैया ये है यार आश्रय बड़ी और सुमिंत्रा स्ट्रीट के कोनी पर सोनी पॉइंट की बात है। आज हम जनताओं को वो संदेशा देने के लिए जा रहा हूं जो मैंने बार बार आपको समझाते गए हैं, लेकिन जैसे देश के जनता देश के निवासियों यानी इन तमाम चीजों मजाक के तौर पर ले लेता है। एक जबरदस्त अभी अभी एक जबरदस्त धमाका हुआ है, यानी अफू बाका वैख मास्ट आख्तन देर तक अभी कोई मिनट के बाद हुआ है एक जबरदस्त धमाका भाई जी, जहां पर 2 मोटर गाड़ी अपने में टकराया है। एक तो कंडाल में चला गया है, एक उलट गया है और 2 लोग का मृत्यु हो गई है। अभी अभी अफूबा का व्यास मास आखन जाते की बात है। ऐसा धमाका से ऐसा धक्का लगा भाई जी, फ्रंटाल जिस लोग कहते हैं, और इसी फ्रंटाल से 2 लोग की मौत हो गया है। अभी नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन 2 मोटर गाड़ी एक कंडाल में है एक उल्टा है और 2 के मौत हो चुका है। बाकी लोग जो ज्यादा घायल हुए हैं उनको मुमकिन है कि उनको एस्ट हेल्प को पहुंचाई जाएगी। ये दुख के बात भाई जी, श्रीनाम जनताओं को समझाया जाता है जैसे कि वो समझना नहीं चाहते हैं। बहुत दुख के बात है, जिनों का मृत्यु हुई है हम उन लोगों को शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं। चलेंगे भाई जी, तो पता चला कि बेस होल्डर्स अपना काम तो शुरू किया, लेकिन बेस होल्डर्स जो लोग पार्टिकुलर लाइन बेस और खानी सासी पीएलयू के जरिए उनके नीचे जो काम करता है वो एस तक क्वार्टाल 2020 का सब्सिडी का मांग कर रहा है। एस तक क्वार्टाल सब्सिडी का मांग कर रहा है, बोले अभी तक हम लोग को मिला नहीं। बोले कि तारीफ तो आन पास हुआ है सवारी के, लेकिन एक अलग तारीफ आन पास हुआ है, एक अलग तेल के पैसा चढ़ गया, तीसरा दुकान के पैसा चढ़ गया। तो बोले हम लोग के कोई मुनाफा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए वो लोग सब्सिडी के बारे में जिक्र कर रहा है। बेस होल्डर्स ये ट्वेंटक इस्तीफा के बात है। ये भैया जी का कि दुनिया में इतना मुसीबत है। आप तो जाने हैं कि न एक आदमी हजारन लोग का मौत होता है कि कोरोना वायरस के द्वारा। आप तो जानते हैं कि हॉलैंड में सब अभी तक बंद है, कितने दुनिया के कितने देशों का सब ताला लग गया है, है? बाकी एक मामला जो हुआ है इंडोनेशिया में, काकी इंडोनेशिया के एक हवाई जहाज बोइंग सेफ 500 जब इसका उड़ान हुआ, 63 लोग था उस प्लेन में, यह शनिचर की बात है, 4 मिनट तक रहा आसमान में, तो एक धमाका आया है और यह प्लेन छितरा गया और यह प्लेन बोइंग सेफ 500 जो याफा के किस्त है वहां पर यह यानी कि कुछ टुकड़ा इंसान के शरीर मिला। ब्रक्स टेकन लेखाम्स देवन और ब्लास खलेबान काबल्स स्पेकर ब्रुक एंड परसोलक बजेटिंग, इससे जाहिर होता है
कि कोई अपने आप के शरीर में बम ब्लास्ट के द्वारा ये धमाका करवाया है, क्योंकि एक टुकड़ा स्पेक रुख कुछ इंसान का शरीर टुकड़ा मिला, ब्रक्स टिकन ऑब्लास जैसे कि जिससे ये लोग तैयार करके और ऑब्लास की है प्लेन न। तो भाई जी ये बड़ी अफसोस और दुख के बात है कि ये भी हमारे देश में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है। ट्रिलियन से तक लोग का मृत्यु हो गई है और ये चार ही मिनट रहा आसमान में, ये रीवा में सब लाश पड़ा होगा या सब चला गया प्लेन के साथ नीचे। लेकिन जो स्पेकर ग्रुप मिला एक टुकड़ा इंसान का कुछ हिस्सा शरीर मिला, तो इसका मतलब ये कोई अपने शरीर में बम बनवा करके ये ऑब्लास्ट करवाया होगा। तो ये अभी तक दुनिया में हो रहा है भाई जी, ये हम लोग के लिए देश के लिए बहुत घबराहट वाला बात है भाई जी। मेर सौरख में एक आदमी के पास 3000 पाकी सिखरतन यानी कि ये बाहर मुल्क का सिखरतन बसलाख में सिपाही ने दिया है। मेर सौरख अभी का बात है, मेर सौरख में 3000 पाकी सिखरतन यानी कि ये बैठक के दूसर जगह के सिखरत है और वहां पर बसलाख में लिया गया है। और ये मुमकिन है कि स्मगल के माल है ना, और सिपाही उनको बसलाख में ले लिया है। प्यारे प्यारे जनता, कल मैंने कहा था कि एक औरत निकेरी में 7 साल के उम्र में ये घर के भाड़ा नहीं भरी थी तो इनको ऐखना निकाल करके दाम पर कर दिया। ये जा करके एक बेस हाल्ट कहिए उसमें अपना सामान जुटा करके उसमें रहने लगी, एक बेस हैश जहां एक कब्रस्तान है। लेकिन कुछ लोग ने देखा कि ना ये ठीक चीज तो ना भाई जी, एक औरत जात के ऊपर ऐसे हो रहा है, हम लोग को ये हल करना चाहिए। तो किसी ने जा करके उस एखदार को 3 महीना के भाड़ा भर दिया है, 3 महीना के। वो औरत आज वापस चल गई उसी घर में फिर से, लेकिन 3 महीना के बाद में उस औरत को अपना मकान खोज करके अपना ठिकाना फिर से खोज खाज करके तब उसको वहां से जाना चाहिए, लेकिन 3 महीना के पैसा किसी ने उनके लिए अदा कर दिया है ना। देखो किस कितने इंसान है दुनिया में ना, जो इंसान को मदद करने चाहता है और कर रहा है। चलेंगे भाई जे देश के तमाम जनता, श्री नाम के जनता, देश के तमाम लोग, ओपनबार वर्कन खात आमतनारन दी जो मार वेख ब्लेफ अफस्तराफन मिनिस्ट्री फॉर ओपन बार वर्क, वहां एक मिनिस्टर बैठा है रियात नूर मोहम्मद। ये एक अच्छे घराना का इंसान है, लड़का है, पढ़ा इंसान है, इज्जतदार इंसान है। वो नहीं चाहते हैं कि जो इंसान को तनख्वाह दिया जाता है वो घरे बैठे घरे सूते और काम पर नहीं आए। मिनिस्टर कहते हैं क्या सुनिए, इस व्यर्थ है और वो व्यर्थ तौर तरीके दिखाते इंसान को और आमतनार को कैसे उनको कंट्रोल में आना चाहिए, कई घंटा काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कब तक काम करना चाहिए, प्रशंसी लाइस जो है उस पर भी हांति नहीं होना चाहिए, ये सब चीज बताता है। तो इसलिए अब जब कोई पैसा उनफान करता है, तनख्वाह उनको मिलता है, काम पर नहीं आते हैं, सेफ ईफ वाला अमचनार, उस पर मिनिस्टर और मिनिस्टेरी कड़ी से कड़ी नजर रख करके उनको अब बताएंगे कि तनख्वाह पाते हुए काम पर नहीं आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपके ऊपर क्या क्या होने जा रहा है। तो आमचनार लोग, जो तनख्वाह देश न सिर्फ ओपनबार वर्कर में होना चाहिए, हर एक मिनिस्ट्री में जो लोग तनख्वाह जिनको दी जाती है और काम पर नहीं जाते हैं उनको बुला करके मिनिस्टर को चाहिए समझा देने के लिए, एक दफे चेतावनी दे दो और उसके बाद में व्यर्थ जो है उनके सामने पटक दो। एक लाश बसलाख में लिया गया, एक लाश लेक लोग कहते हैं, यह शनिचर को एक लेक मिला वानिका में ओपनबार मिनिस्ट्री के द्वारा, ये लेक बसलाख में ले लिया गया है। प्यारे भाइयों अभी तक पता नहीं है कि ये आदमी की मौत कैसे हुआ है, लेकिन कुछ घंटे पहले इनका दोस्तों ने इनसे बातचीत भी किया था
और मुमकिन के गिर पड़ा है घर में, है इस से खफालन, और जो बाद में जब लोग गया उनको देखने के लिए तो उनका लाश मिला है वही घर के मकान में, तो यानी मकान के अंदर में। तो अब ये पुलिस ही बात आगे ऑन द जिक्र कर रहा है ये कि ये समस्या कैसे है। प्यारे भाइयों, जनता, हम देख रहे हैं कि एक सिखोलोखी से रिपोर्ट तैयार भय है जनरल आ के बारे में। ये एक मकान ऑगस्ट महीना में एक मकान में आग लगा दिया, ये आग लगा और ये जल करके राख हो गया। उसके बाद अपने पत्नी पर तेल फेंक करके और उनको जलाना चाहा, जिंदा अपने पत्नी को जिंदा जलाना चाहा। तो अब ये पता चला कि जनरल आ 214 से ये शिशियाची से सेंटर में इनका बहांडलिंग होता है। आह, मई को भी बहांडल हुआ और अमरदीप बैक में ये आग लगाया है। इनकी पागल जाने की शायद ये बोलते लोग की पगला है वगैरह, तो ये ब्रम स्टॉप फेंक करके घर में आग लगा दिया, औरत को ऊपर तेल फेंक दिया, उन पर आग लगाना चाहा, लेकिन वो तो भगा भैया, भगा बेचारी, बस बच गए वो है। और ये सब बातें हमें पता चला है भाई जी। अब देखो ये रलाची के बारे में, द फर्डक्ट फरक्लाड बे द पुलिस दैट ही हैड हेज फॉर द फ्रो ही खबाउ और हैड परसेव इस फ्रॉम द फ्रो अब खेफ मोमेंट जो जे द रलाची मैट हेम हैव बेइंडर। समझ रहे, यही तो प्रॉब्लम हुआ है। जहां औरत या बोलिस भाई आदमिया से देख देख प्रीतम, आज से तो रास्ता उधर, हमारा रास्ता इधर। अरे बप्पा, अरे बप्पा, वही तो ओरलॉक शुरू हुए। का तू बोल रहे, तू का बोल रहे छछुंदर, तू हमें अब न मांगे है, हम इतना चीज तेरे खातिर कर ली, हम इतना चीज कर ली, इतना दुख सह ली, अब तू बोले तू हमें ना मांगे है। बस यही पर तो तमाशा हुए काकी, यही पर तमाशा शुरू बप्पा। तब तू देख भाई, तब तू देख कटौल। अरे दादा, अरे दादा, अब ये रिपोर्ट जो है बन रहा है, बनाया जाता है, रखते चाहते कि इस आदमी के शरीर के बारे में, दिमाग के बारे में कुछ रिपोर्ट बनाया जाए, बने है? तो हमें देखना चाहिए कि आदमी का दिमाग ठीक है या पगला गलत है। एक आदमी को 4 साल की सजा दी गई है अपार्टमेंट में, ये बज्जाती की है अपार्टमेंट में। ब्रायन सेई के बारे में हम बात करते हैं, ट्वी फ्रोवन जैसन ट्विंटिक यानी भाई, गुजरे साल में एक अपार्टमेंट फ्रीडरिश हूफ में ये उन दोनों का सामान लूटे हैं। ट्वी फ्रोवन ऑब्सेशन ट्विंटिक यानी भाई अपार्टमेंट में उनका रोफ किया है, रोफ किया है, सामान लूटे हैं ऑफिस पर स्थित सी। ये सब बात देख करके और देखा ये बात कि ये डाका डालने के बाद उन दोनों को लाख लाख से मारे हैं ना, पटक करके, और फिर उनका हाउस कैटिंग वगैरह ये सब छीन छान करके भगा है। फिर मार्को रेफ्टर मैत्री कुलदीप सिंह यानी इस मुकदमा में फैसला सुनाएगी। मैं देख रहा हूं भाई जी कि एक मर्द ने अंडेखन ट्विंटिक यारख मन परमारी बो में खलोर 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 पी लिया है, खलोर जहर। प्यारे जनता, ये आदमी ने खलोर पी लिया है, अपने फ्रेंडिन से झगड़ा हुआ, इसी कारण से ये आदमी ने खलोर पी लिया, बोतल भर या कितना पता नहीं है। तब जब ये छाट उठ करने लगा तो जनता दौड़ा है उन्हें दूध पिलाने लगा ताकि वो बच जाए। अब पता नहीं कितना खलोर ये आदमी ने पी लिया है। स्पोर्ट एशन हेल्प को इनको पहुंचाया गया है। अब जानना चाहते सब लोग ने
लेकिन आज चाल से जानते हैं कि दो प्राणी में जब कोई क्लोर पी लिया, कोई ये पी लिया वो पी लिया ना, तो इसमें कोई रिलैक्सी प्रॉब्लम है प्यारे भाइयों। तो अब हमारे देखने में ये मामला आगे ऑन द सुगा एक्सटेक्टेड परमारी वो में डाकुओं ने घुसा है भाई को प्रोबेशन निश्चित इंस्टॉलेशन तरवार फॉर्म 3,000 SRD और कितनी सामान ये लोग चोरी करके वहां से भाग गया है। स्टेक्टिंग का बस्तीर सिपाही में जाकर के नालिश की है। बुंसी खवोंग का राग बे इंस्खित पड़ते बुंसी प्यारे भाइयों ऐसे पता चला है कि झगड़ा हो रहा था और वहां पर गोली चलने लगा। गोली चल रहे भैया जी, इसे फिल्म का शूटिंग हो रहा है, एक ब्राजीलियन भी वहां है उम्र है। प्यारे जनता ये झगड़ा की वजह से गोली चला है और अनमन इस गुंसी खोवंत खरात में स्खित पड़ते ये बात अब आगे ऑन दिस होगा। एक नेखन दिन यार यंग दाम शनिचर के रात को इलाका वानिका में फरदल खीस में जहर पी लिया है, जहर पी लिया है, उन्हें तुरंत उठा करके सिके हैश में लोग ले गया है। यंग दाम सामन मेथर प्रिंट नारफेश खान यहां पर सिपाही पहुंचा और लोग को वहां से लखेदीस रहा, इन तमाम इन सब लोग को वहां से लखेदीस। ये बच्चे जब लौट करके आई है तो कुछ हुआ इनकी फ्रेंड के साथ, बस ये जहर पी लिया है। कुछ लोगों ने इसको देखा और सिपाही को तार कर दिया, नहीं कि यार यंग दाम ये जहर पी लिया है। भैया जी पहले लौंडा के साथ कहीं नाचने के लिए गई थी, वहां पर सिपाही लोग को वहां से लौटारी से घर को आई है, वहां पी लिया है जहर। अब ये मामला देखो अंधसुख हो रहा है। प्यारे प्यारे जनता हमारे सूरीनाम के तमाम लोग पुलिची सेंट्रम की बात सुनिए। पुलिची सेंट्रम पुलिची ऑपलेरी सेंट्रम वहां पर जैसे मसा मीटिंग भाई पुलिची अपने सेंटर में जैसे मसा मीटिंग द लॉकडाउन ओवर ट्रेड दी जाटरदाग ऑफ ऑन डो द पुलिची वेर एन ओफ्रदार है पुलिची अपने सेंटर वो लोग को वहां पर कोई जमीन पर बैठा है कोई खड़ा है लेकिन ये लोग मनमानी करता है। जब सिपाही बोले भाई दाम पर ना आइयो तो कौन सी करे गए लो तिलोक दाम पर का ले गए लो दाम पर अब वहां पर प्रेम पर बैठा या सूता या काकरत है अब वही लोग जानत है ना। सूरीनाम इंडिया अभी दोनों मुल्क में दोनों मुल्क के बारे में बातचीत प्रेसिडेंट संतोखी ने किया और फैसला भी लिया है। प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी इस वक्त चाहते हैं कि भारत से कोई अगर आना चाहे तो आ सके। फिश एम्प्लेक्ट अब साफ कर लिया गया है, फिश एम्प्लेक्ट इंडिया और सूरीनाम या सूरीनाम इंडिया ना सूरीनाम इंडिया ने खड़ी इंडिया सूरीनाम संतोखी साफ फिश एम्प्लेक्ट अफ दिस। अब इंडिया से जितना लोग आना चाहे यहां सन्ना में आए, यहां पर इन्वेस्टेट करना चाहे, यहां जो भी करना चाहे ना वो आ सकता है। फिश ऑफ लेफ्ट आप सब कर दिया है। अब हम आगे चल करके भाई जी सिपाही ने कल रात्रि को एक आदमी को गिरफ्तार किया। यह एक नकली सिपाही था भाई जी और सब सिपाही ये नकली सिपाही सब लोग को गाड़ी चेक कर रहा है जानबूझ करके। एक आदमी ये एक नकली सिपाही दिलियंत्र यार का एक गाड़ी को रोक रहा है
गाड़ी जब उठा है अब आदमी देख रहे हैं सब कोई ना, पुट यू ऑन द लुक टू, पुट यू ऑन द लुक टू। ओके बोला अपना हाथवा ऊपर कर, तो बेचारा रुका हाथ, बोला मैं भाई था वागी, तो वो निकला बोले बिगिन डांसी, तो नाचे बोले माइकल जैक्सन, तो माइकल जैक्सन, तो बोले जी बोले कि अमिताभ बच्चन, तो उखने आप उके नचावे भैया के, बोले मतलब बस तबले के एक असली स्कूल पहुंच गया। तो चमत्कार गए सिपाही कौन तमाशा है, तो ये नकली सिपाही मान को जो शोफेर को उतर उतार करके बोले उतर जा गाड़ी में, तो पहले उपयो अनुला लोग तो फिर उसके बोले डांसी माइकल जैक्सन के नाच, तब बोले कि अमिताभ बच्चन के नाच, तो सब सिस्टम के नाच तो नाच दाम पर। तबले सिपाही आकर के ये नकली सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है और नकली सिपाही को अब ले जाकर के बंद करी से। ए भैया जी ये सब चीज से तनी फुर्सत तक रही आप लोग, के आप लोग के गाड़ी रोकता है, के कौन चीज करवाता है, ये सब आपको जानना चाहिए। अब देखो ये भैया जी के रोकल है, इनके बोले नाचे के नाचने लगा बाहरे निकल निकल गए बाहर, अगर इनका गाड़ी में कूद को बैठ गया होगा होता और भाग गए, ना तू इधर के होते ना उधर के होते, और तू जॉनी वॉकर तरह नचते रहते दाम पर, तुम्हारा गाड़ी लेकर के वो भाग जा। बाकी यहां पर पुलिस आ गया है और सिपाही इस मामला को अपने हाथ में ले लिया जल्दी से और नकली सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है। एक आदमी ने अब सुनिए तमाशा का की, अब तो सुनिए तमाशा जिसवा के हाल जो है ना जैसे वही हम आपको बताते हैं। एक आदमी जा करके परमाइबो के पुलिस के कंटोर में नालिश की है, किसके ऊपर, एक्स फ्रिंडेन के ऊपर, एक्स फ्रिंडेन। प्यारे जनता फोकस हेम हेव द फ्रो हेम बद्रेश मैट द डोज, औरतिया के बोल गई से तू तो के हम तोरे लिए हम घंटा जीन के रख ली है, पिस्तौलवा दिखाई ली से बाप है, तो जाने है सो एयर दर अंदर लाची में थार हेवन मार सो दी ना अंटेच हेव एंड। ये रिलाची की बात है, जहां पर एक औरत रिलाची बंद करी तब वहां पर कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है। यदि आप कुछ कहा बस ये औरतिया ने समझा दिया कि तोके हम ऊपर भेज दे, ऊपर हम भेज दे तोके सौंदर फिशन सौंदर तू चाहिए सौंदर फिशन ऊपर बस बेचा मैं डर के बोल रहे बाप रे बाप हमारा औरत रहा इस तो आज हमें का बात समझाती है। दौड़ते दौड़ते गर्ल कंटोर में पुलिस भी रू पर बोले पुलिस पुलिस बोलता है बोले मैं नेक्स्ट प्रो बोले डूब जा तो बोले कि फॉक्स द मान एक द फ्रो हेम जोंदर एनक रीडन बद्रेश मैट द डोट है। इसी कारण से वो दौड़ते दौड़ते बेचारा गए पुलिस बीरो, तो सिपाही अब ये बात आगे अंदर सुख करेगा ना। तो आप समझ गए भाई जी जो बात हम आप लोग को समझाते हैं, ये सन्नाम है और हम सूरीनाम के जनता से बात कर रहे हैं ना। देखो भाई जी देश के हाल बहुत गड़बड़ है, हमारा देश के समस्या बहुत गड़बड़ है, और अगर आप ध्यान से और विचार से हमारा देश में नहीं रहेंगे, देश के कायदा कानून द्वारा उठेगा बैठेगा तो हमारे देखने में आपके ऊपर कोई ऐसा मुसीबत नहीं आएगा। लेकिन जब आप मनमानी करेंगे तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे भाई। ये अब हमें पता चला कि ट्रेन ब्रेकर्स सेंट फ्रेडाख इन अ क्लीडिंग जाक ऑन द वाटर कान अरेस्टेड। ये सब तासन छोल तासन क्लीडिंग स्कूनन पैटर्न ये चोरी कर चुका था लेकिन ले जा नहीं पाया। ये लोग फोर देर को फोरसेर किया ऑन द पान बेनेट द्रिंगन, और ये भी ये दरवाजा को उखाड़े भी उससे पहले भी
और इसी कारण से सिपाही किसी लोगों को गिरफ्तार किया है, और हो सकता है कि ये टासन वार ऑन द स्कूल टासन क्लीडिंग स्कूनन पैटर्न ये सब ले नहीं जा सका, ये सब सिपाही बसलाख में ले लिया है। द पुलिस हैव द स्टोलन इन बसलाख लोमन बेज मानन से ओवर गब्राख नार हेड पुलिस ब्यूरो। समझे ना भाई जी, तो अब ये चोरी किया है तो ये लोग गिरफ्तार हुआ है ना। तो हमारे सूरीनाम के जनता, आप देख रहे हैं कि क्या क्या हमारा देश सूरीनाम में होने लगा है। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सुरक्षा हीरा सिंह सामन में मिनिस्ट्री फॉर ओपन बार वर्कन, ये कुछ कुछ जगह पर ये लोग गया है जहां पर पानी रुका है, कंडाल भटा है ना, तो मिनिस्ट्री ओपन बार वर्क मदद कर रहा है। तो क्वाटा की बात है, सोफिया स्लिस की बात है, जहां ज्यादा पानी रुका है कंडाल में, भटल है, इसी कारण से उसको अफहाल होने लगा है ताकि पानी हट जाए, निकल जाए। तो ये काम उपमार वर्क शुरुआत कर दिया है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सुरक्षा हीरा सिंह के खास गुजारिश पर। ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर शरीन बंसी दुर्गा बहुत जगह फेलिस बाकन को रखवाया है शर्मक्का में। यह आफदीनी सिविल टेक्निशियन के द्वारा ये बनाया गया है, और खास करके डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी गोपाल देव राम खेलावन के द्वारा। बहुत बहादुर इंसान ये भाई जी गोपाल देव राम खेलावन, एक मेहनती इंसान है, और ये बड़ी कोशिश ही कर रहा है भाई जी ना। तो सगरों कोने कोने पर ये यानी फेलिस बाकन को रखा गया है, जहां पर लोग फेल वगैरह उसमें रख सकते हैं, अब जमीन पर नहीं यानी बाक में लकड़ी के बाद जो बनाया गया है। हुक दिरात भाई जी, ये आदमी ने खसखिदनेस ने लिखा श्री नाम में, एक्स मिनिस्टर हुक दिरात गिलमोर हुक दिरात, महीना हो गया भैया, सब लोग कहते हुक दिरात भाग गया है, इनका ऑस्पोरिंग अखबार में आया, लेकिन इंटरपोल के लिस्ट पर अभी ये नहीं आया है। प्रोक्योर जनरल ने कहा कि अगस्त महीना से ये लोग ने इंटरपोल से निवेदन की है, लेकिन इंटरपोल सब बात ठीक रूप में जानना चाहते हैं, वो कौन आदमी, वो आदमी कहां रहता था, कौन नेशनलिटी के आदमी है, तो ये सब ऑन द जुक करता है इंटरपोल लिस्ट पर आने के लिए। तो अभी तक एक्स मिनिस्टर हुफ्दरात इंटरपोल लिस्ट पर इनका नाम नहीं पहुंच सका है, ये अभी ऑस्पोरिंग के लिस्ट, सूरीनाम के ऑस्पोरिंग लिस्ट पर इनका नाम हुआ है, और इनका खुजाई तो हो रहा है ना, कोर्ट हो, आज इनका कोर्ट रहा, आज सेटिंग लोग कहते हैं, और इनका एडवोकेट गिलमोर के हुफ्दरात के एडवोकेट इनकी ऑस्पोरिंग के लिए चिरौरी की थी उसको रोकने के लिए, और वगैरह वगैरह ना। लेकिन रेख्टर ने कहा नहीं, जो आप लोग मांग करते हैं वो पाप को पूरी नहीं होगा, गिलमोर हुफ्दरात के ऊपर मुकदमा जारी रहेगा, उपमार मिनिस्ट्री ये फैसला ले चुका है, और कहा चार फेब्रुवारी को उपमार मिनिस्ट्री अपना बयान देगा, बच्चे लोग बोलते हैं भाषण वगैरह, तो भाषण देने के बाद हो सकता है कि स्ट्रफ एस मतलब कि कितना सजा के मांग करेगा, क्योंकि हुक्दरात को सूरीनाम में होना चाहिए था, लेकिन इनका एडवोकेट लोग बताना नहीं चाहते कि हुक्दरात कहां है और काहे न कोर्ट में आवत है ना। तो इसी कारण से हुक्दरात के लिए एक परस्टेक्फोनस भी हो सकता है फिर फरवरी को, जब उपमार मिनिस्ट्री अपना भाषण देगा, हफ यूस्टिसी में मुकदमा होगा जैसे हम सोच रहे हैं ना। तो भाई जी,
तो ये मुकदमा में हुक्मरात के लिए फैसला हो जाएगा। कौन सा फैसला? वो तो ऑफिशियर के मांग होगा और फिर उसके बाद में रेक्टर फैसला सुनाएगी कि हुक्मरात के साथ क्या होने वाले हैं। तो आप जाना थे भाई जी, ऐसे ऐसे करके और कितने मुकदमा है जो थोड़े दिन के भीतर में यानी फैसला हो जाना चाहिए। अभी स्कूल्स ऑफ फंक के बारे में बात हो रहा है, अब ये भैया करी फेस्टा के बारे में, तो जाने के करी फेस्टा वाला बात तो सबको जाने का कि कितने औरतें ने कहा भैया हम लोग करी फेस्टा में वो नचाए नाचे रही, वो नचाए नचली कि महिंदन भर करियो पिरान बप्पा, क्योंकि हम लोग को निहुर निहुर के नाचना पड़ा, हम लोग को खसक खसक के नाचना पड़ा, हम लोग को बिछड़ाए बिछड़ा करके नाचना पड़ा, हम लोग को यानी कि ऐसे बैठ करके हम लोग को नाचना पड़ा। तो समझ जाओ कि जब इतनी नाचने के बाद जब हम लोग के पैसा मिलना चाहिए तो हम लोग को सरकार ठेंगा दिखा दे, ठेंगा। तो आप जानते हैं कि अब वो लोग के मुफ्त में नचले हैं या रेकने पनाती से, अबे तक रेकने पर लोग दारू पियत रहा, रेकने पर लोग ने आलू, रेकने पर ब्रेड, रेकने पर ये रे वो, लेकिन रेकने पर कोई नाचिस रहा ये पहला दबार हम सुन ली है। तो ये लोग रेकने पर नचले हैं तो ये लोग इंतजार भी कर रहा है कि इन लोगों को उस नाच के बिछलाए बिछलाए वाले नाच, ठेला ठेला ठेलुआ वाला नाच है, बिछलाए बिछलाए वाला नाच, खिसिक खिसिक वाला नाच है, बुकुई अब तो उसे बताएगा मौसी ऐसा नाच रहा तो अब उसको पैसा मिलना चाहिए। तो ये मुकदमा भी जज को चाहिए फैसला करके। तो ये भी है, बाकी तो मुकदमा लोग जानते भाई जी कितने मुकदमा ऐसे और है, सबके इंतजार में लोग हैं और इसमें फैसला भी होगा। ऐसे करके भाई जी अब हम आप लोग को फिर से ये हर हाल करके बता रहा हूं कि जो लोग शहर से बाहर गाड़ी लेकर के जाते हैं, आपको एक मैक्सिमम स्नेल हाइट है, उस स्नेल हाइट के मुताबिक गाड़ी चलाना चाहिए। मैंने अभी शुरुआत में कहा कि अभी भी संध्या के वक्त में एक जबरदस्त धमाका हुआ है अफूबा का वैक में मास आखिक, जहां है दो गाड़ी अपने में टकराया है, एक गाड़ी कंधार चला गया है, एक उलट गया है, दो लोग की मौत हो गया है ना। तो भाला बताइए आप लोग कैसे, हम लोग ये हमेशा रोजाना कम से कम हम लोग बताते कि आरेरी में इतना मौत हुआ, इतना मौत हुआ। और ये अफूबा का वैक में यही हाल है कि जब वहां पर लोग गाड़ी उड़ा करके चलाता है, मैक्सिमम गाड़ी पर चलाओ जैसे मैक्सिमम है, पैफन दैर तक या दैर तक या फिर तक या फैफ फिर, उसे ज्यादा नहीं ना। तो देखो ये आरेरी हो गया है, ये दुख की बात है, अभी पता नहीं है कि कौन लोग का मृत्यु हुई है और कौन लोग इस गाड़ी में बैठे थे। तो भाई जी आगे चल करके कोविड के बारे में हम आपको बता दिए हैं, हम लोग को होशियार हो जाना चाहिए। एक हफ्ता के लिए सरकार सब चीज बढ़ा दिया है और आप तो जानते हैं हमारा ब्राजीलीय मुल्क में कितना हजारों लोग की मौत हुआ है, मिलियन के हिसाब से लोग बस मैच हुआ है, हजारों लोग हजारों हजारों लोग का मौत हुआ ब्राजीलिया के बाद। हम करीला हम लोग खिलवाड़ करें ही ज्यादा से ज्यादा देश में भाई है। अभी आपने आपसे मैंने कहा कि 24 घंटे के भीतर में ज्यस्तक लोग बीमार हुआ है, ज्यस्तक लोग। तो आप लोग होशियार हो जाओ भाई जी, हमारा देश के हाल बिगड़ते जा रहा है, हम लोग मिल करके अगर ये समस्या को हल करेंगे तो ये बीमारी हट जाएगा और हम लोग हर एक मुसीबत से बच सकते हैं। और आगे चल करके जो आक्षी जो हुआ है शनिचर के, बहुत से लोग ने इस आक्षी के बारे में अपना आवाज को उठाए हैं कि यह समय नहीं था आक्षी करने के लिए, जब कोविड 19 इस वक्त है और लोग को एक प्रोटोकॉल चाहिए, प्रोटोकॉल के मुताबिक 5 लोग से ज्यादा नहीं, लेकिन इस आक्षी में हजारों लोग डर के ऊपर खड़े थे, ये बहुत गर्व बात है भाई जी, डर के ऊपर और बगैर मौत का, बगैर मौत अंदेश का। तो ये लोग जान बूझ करके ये बीमारी को फैलाते देश के अंदर में,
अगर ऐसा ग्रुप में आप जाएंगे जहां मौन कप नहीं है, नरिश कप नहीं है, तो हो भी सकता है कि आप भी बसमत हो जाएंगे। इसलिए आपको फोर्शेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग मुसीबत में है, और ऐसे ऐसे जो लोग मुसीबत और खोज रहे हैं उसमें अगर आप हाथ बताएंगे तो आप भी फंस जाएंगे। क्योंकि हर एक चीज करो कायदा कानून द्वारा, अगर ममता चाहिए तो मौत ने इसका पहन करके। हमारा देश में सरकार ने 6 महीना बैठ चुका है और आपसे कहा है कि उन्हें अभी मौका मिलना चाहिए, 9 महीना के लिए बात किया है, तो उसके बाद में सरकार बताएंगे कि वो क्या किया है आपके लिए, वो क्या कर सकता है, वो क्या करेगा। तो ये सब बात रहा बोलने के लिए। हम आज सब कुछ आपके सर पर रखना नहीं चाहते हैं कि क्योंकि आपको भी सोचना चाहिए, आपको मौका होना चाहिए सोचने के लिए। आप इस देश में रहते हैं, आमचनार के कंटोर जितने बंद है, स्कूल बंद है, हर एक जगह बंद है, फिर भी आप डाम पर, फिर भी आप ये गलतियां कर रही हैं। सब कुछ बंद है भाई जी, है? और कहीं कहीं जहां जरूरी है इंसान को रहना, सिपाही मिलिटर वगैरह, डॉक्टर वगैरह, पुलिस, तो वहां पर ये काम वगैरह हो रहा है। लेकिन आपको भी जानना चाहिए, जब कंटोर बंद है, स्कूल बंद है, तो आपको कायदा कानून द्वारा बसर करना चाहिए जिंदगी। भाई जी मुझे इजाजत दीजिए, मैं आप लोग से फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे देश जनताओं को मैं आखिरी में वही बात बता रही हैं कि प्रोटोकॉल पर ध्यान रखिए और इस बीमारी को आप मिल करके हम लोग दूर करें। बहुत मुसीबत है न्यूजीलैंड में, बहुत मुसीबत है अमेरिका, बहुत मुसीबत ब्राजील, हम लोग को भी बच के रहना चाहिए। शुक्रिया। सूरीनाम और नीदलांद से परिवार ग्लैडिस मक्खनलाल और बाकी परिवार शोक के साथ ये सूचना देते हैं। बीफे यानिवारी के 7 तारीख 85 55 साल के उम्र में परिवार ग्लैडिस मक्खनलाल, परिवार एरविन मक्खनलाल, परिवार अशोक मक्खनलाल, परिवार शेखर मक्खनलाल, परिवार उषा नेपाल मक्खनलाल, परिवार सीरियल मक्खनलाल और परिवार अनिल मक्खनलाल। इन सभी के पिता, ससुर, आजा, नाना, ननवा ससुर, अजवा ससुर, पर आजा और पर नाना, स्वर्गीय द्रौपदी मक्खनलाल मंगरूलाल के पति, आजुरावन स्त्रात नंबर 28 के रहने वाले श्रीमान रघुनंदन मक्खनलाल की मृत्यु हुई है। इन्हें लोग ज्यादा मक और शालस के नाम से जानते थे। अपने जिंदगी में पेंशनियर था 30 मिलिटर हॉस्पिटल और नेशनल लेखर का अर्थी कल बुध यानिवारी के 13 तारीख देखने का मौका। अंतिम दर्शन का मौका रहेगा कल सुबह 9 से दिन में 12 बजे तक आजुरावन स्त्रात नंबर 28 पर। 1 बजे वहनाजी पर दाह क्रिया की जाएगी। अर्थी कल सुबह 9 बजे आजुरावन स्त्रात नंबर 28 पर रखा जाएगा। तमाम परिवार हर एक को ये खबर दी जाती है। दुखी प्रोजेक्ट 22 स्त्रात नंबर 26 से श्रीमान लाल फागु शोक के साथ सूचना दे रहे हैं कि सोमवार यानिवारी की 11 तारीख को 84 साल की उम्र में श्रीमान लाल फागु का पिता श्रीमती रीता फागु पुरनवासी का ससुर किशन फागु का आजा कविता फागु रामगोलम का अजुआ ससुर शिवम और आरोही का पराजा दुखी प्रोजेक्ट रमाई स्त्रात नंबर 15 के रहने वाले श्रीमान सुखाई फागु के मृत्यु हुई है। इन्हें लोग हरी के नाम से ज्यादा जानते थे।
कल भूतिया निवारी की 13 तारीख अर्थी सुबह 8 बजे से निवास स्थान पर रखा जाएगा। 9 बजे निवास स्थान दुखी प्रोजेक्ट रमाई स्रात नंबर 15 से उठाई जाएगी। 10 बजे क्रेमासी और अर्थ केक पर दाह क्रिया की जाएगी। तमाम परिवार जान पहचान वालों हर एक को खबर दी जाती है। आज जुड़ावन स्त्रात नंबर 28 से श्रीमान अनिल मक्खन लाल सौख के साथ ये सूचना देते हैं। बीफे यानी वारी के 7 तारीख 85 साल के उम्र में श्रीमान अनिल मक्खन लाल के पिता प्रियंता के आजा शैलेश के अजवा ससुर स्वर्गीय द्रौपदी मक्खन लाल मंगरूलाल के पति आज रावण स्त्रात नंबर 28 के रहने वाले श्रीमान रघुनंदन मक्खन लाल की मृत्यु हुई है। इन्हें लोग ज्यादा मक और शालस के नाम से जानते थे। अपने जिंदगी में खपेंचो ने था 30 मिलीटर हॉस्पिटल और नेशनल लेखर का अर्थी कल बोतिया निवारी के 13 तारीख देखने का मौका अंतिम दर्शन का मौका रहेगा कल सुबह में 9 से 12 बजे तक। आज जुरावन स्त्रात नंबर 28 पर 1 बजे वैखनाजी पर दाह क्रिया की जाएगी। अर्थी कल सुबह 9 बजे आज जुरावन स्त्रात नंबर 28 पर रखा जाएगा। तमाम परिवार हर एक को ये खबर दी जाती है। फेफ द रई वैख नंबर 11 से श्रीमान हरि प्रसाद फागू सोख के साथ सूचना दे रहे हैं। सोमवार यानिवारी के 11 तारीख को 84 साल के उम्र में श्रीमान हरि प्रसाद फागू का पिता रजेश राकेश और राधा का आजा नीता फागू और देवा जगाई का अजवा ससुर देविका निशा पवन और तृष्णा का पराजा सुराया वेदिका और अमीशा का पर नाना दुखी प्रोजेक्ट रमाई स्त्रात नंबर 15 के रहने वाले श्रीमान सुखाई फागू के मृत्यु हुई है। इन्हें लोग हरि के नाम से ज्यादा जानते थे। अर्थी भूत यानी वारी की 13 तारीख सुबह 8 बजे से कल निवास स्थान पर रखा जाएगा। 9 बजे अर्थी निवास स्थान दुखी प्रोजेक्ट 15 रमाई स्त्रात से उठाई जाएगी। 10 बजे अर्थ केक पर दाह क्रिया की जाएगी। तमाम परिवार हेति प्रेमियों को खबर दी जाती है। नई दलान सुतरमेर से श्रीमान अरविंद मक्खन लाल सौख के साथ ये सूचना देते हैं। बीफे यानी वारी के 7 तारीख 85 साल के उम्र में श्रीमान अरविंद मक्खन लाल के पिता श्रीमती रानी मक्खन लाल रूपराम के ससुर नालिनी और नादिनी के आजा लाया के पर आजा स्वर्गीय द्रौपदी मक्खन लाल मंगरूलाल के पति आज जुरावन स्त्रात नंबर 28 के रहने वाले श्रीमान रघुनंदन मक्खन लाल की मृत्यु हुई है। इन्हें लोग ज्यादा मक और शालस के नाम से जानते थे। अपने जिंदगी में खपेंचो ने था 30 मिलीटर हॉस्पिटल और नेशनल लेखर का अर्थी कल बोतिया निवारी के 13 तारीख देखने का मौका अंतिम दर्शन का मौका रहेगा कल सुबह में 9 से 12 बजे तक। आज जुरावन स्त्रात नंबर 28 पर दिन में 1 बजे वैखनाजी पर दाह क्रिया की जाएगी। अर्थी कल सुबह 9 बजे आज जुरावन स्त्रात नंबर 28 पर रखा जाएगा। तमाम परिवार हर एक को ये खबर दी जाती है। नेदरलैंड रोटरडाम सहित से देवा जगाई सोख के साथ सूचना देती है। सोमवार यानिवारी के 11 तारीख को 84 साल की उम्र में देवा जगाई का अजवा ससुर राधा जगाई फागू का आजा सुराया वेदिका और अमीशा का पराजा दुखी प्रोजेक्ट रमाई स्त्रात नंबर 15 का निवासी श्रीमान सुखाई फागू के मृत्यु हुई है। इन्हें लोग हरि के नाम से ज्यादा जानते थे।
कल बुध यानी की 13 तारीख अर्थी सुबह 8 बजे से निवास स्थान पर रखा जाएगा। 9 बजे निवास स्थान दुखी प्रोजेक्ट रमाई स्त्राद नंबर 15 से उठाई जाएगी। 10 बजे क्रेमासी और केक पर दाह क्रिया की जाएगी। तमाम परिवार को खबर दी जाती है। बधाइयाँ खुशियाँ पेश होते हैं मार्सा वैख नंबर 10 दुबे प्रोजेक्ट के रहने वाले नन्हा सा लादला छोटे अंकों का तारा आरुष सिद्धार्थ राजवीर सीताराम। 5वीं सालगिरह आज मंगल यानी वारी के 12 तारीख है। गेल सीताराम अपना प्यारा दुलारा बेटा, नानी इंदिरा सिंह अपना प्यारा दुलारा नाती, अरमान अपने प्यारे भाई, मौसी ग्राशा और ट्विंकल, मामा ग्रेक और मामी पेट्रा अपने प्यारे ने, अंबर और आद्रियान अपने प्यारे भाई को बहुत से प्यार खुशियाँ बधाइयाँ आज देते हैं। तुझे जिंदगी में सारे जहाँ के खुशियाँ मिले, तुझे जिंदगी में सारे जहाँ के खुशियाँ मिले, प्यार इतना हो कि कोई चाह बाकी ना रहे। Het aantal personen dat besmet is geraakt met het COVID-19-virus bedraagt maandag 56. Er zijn helaas 5 doden te betreuren, waardoor het totaal aantal overleden patiënten nu 138 bedraagt, aldus de maandagavond rond 8:30 bijgewerkte officiële COVID-19-website. Er zijn maandag 200 tests uitgevoerd. 45 patiënten zijn genezen verklaard. Het totaal aantal actieve gevallen bedraagt nu 625. 839 personen, niet positief getest, bevinden zich nog steeds in quarantaine. Dat aantal is al vele dagen onveranderd gebleven. Op de intensive care units bedraagt het aantal patiënten 10 en 81 personen worden nog buiten ICU's verpleegd in de ziekenhuizen. 299 positief geteste personen bevinden zich in isolatie. Dat was zondagavond 370. Het totaal aantal positieve besmettingen sinds de aanvang van de COVID-pandemie bedraagt 7064. De politie heeft BA aangehouden die afgelopen zaterdag in een auto reed en zich daarbij voordeed als politieagent. Hij dirigeerde via een pogo megafoon mensen over straat. Waar een en ander is gebeurd, vermeldt het bericht niet. Een bestuurder werd door A gesommeerd om aan de kant te gaan en maakte vervolgens humoristische opmerkingen. De automobilist stopte direct en parkeerde zijn voertuig aan de kant. Dit tot grote hilariteit van de inzittende van de fake politieauto. Een niet bij naam genoemde hooggeplaatste inspecteur van het KPS zegt dat zulk gedrag niet getolereerd kan worden in de gemeenschap. Het is burgers niet toegestaan om te rijden met een meertonige hoorn en rode of blauwe zwaailichten te hebben. De regering wil heel behoedzaam en voorzichtig omgaan met het COVID-19-fonds, omdat het volgens president Chandrika Prasad Santokhi uiteindelijk gaat om monetaire financiering. Na goed overleg binnen de regering is dus beslist dat bedrijven wel ondersteuning gaan krijgen. De bedrijven die het directe slachtoffer zijn geworden van COVID-19 kunnen zich laten registreren via de belastingen. De ondersteuning zal gegeven worden via de belastingstructuur, aldus het staatshoofd maandag in de Nationale Assemblée. Ook kleine ondernemers die slachtoffer zijn geworden van deze pandemie kunnen zich aanmelden bij het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken voor COVID-steun. Voor de andere individuen is er een registratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. De verdere behandeling van de algemene politieke beschouwingen is maandag door Assemblée-voorzitter Marinus B. tot nader order verdacht om de regering meer ruimte te bieden om ook het crisis- en herstelplan in te dienen. Coalitiefractieleider Aziz Kumar Gayadin zegt aan Dagblad Suriname dat hierdoor zowel de APB als het crisis- en herstelplan 2020-2022 samen behandeld kunnen worden, terwijl de begrotingsbehandeling over het dienstjaar 2021 pas aanvangt
wanneer het ontwikkelingsprogramma is ingediend. Het ligt in de bedoeling dat het crisis- en herstelplan voor 1 januari wordt ingediend. Leden van het regio bijstandteam Paramaribo hebben op zondag 3 januari de 30-jarige GG, een bekende van de politie, aan de Estrellastraat aangehouden. De man wordt ervan verdacht in de eerste week van december met 2 kompanen te hebben ingebroken in een auto te Geiersvliet. In de eerste week van december had een vrouw bij het politiebureau Geiersvliet aangifte gedaan van diefstal uit haar auto. Volgens de verklaring van de vrouw was ze met iemand naar een goudopkoopbedrijf gereden. Hier wisselden de twee een deel van hun goud voor een groot geldbedrag in Amerikaanse dollars. Hierna reed de duo naar haar woning, sloot het voertuig goed af en liep naar binnen. Toen de twee terugkeerden naar de auto, zagen zij dat een ruit van de auto was stukgeslagen. Uit een tas die in de auto was achtergelaten, was een geldbedrag in vreemde valuta en een hoeveelheid goud weggenomen. De Amerikaanse admiraal, Craig Stephen Feller, van legereenheid Southern Command in Doral, Florida, brengt woensdag een eendaags werkbezoek aan Suriname. Vervolgens vertrekt hij dezelfde dag nog voor een driedaags bezoek naar Guyana. Het bezoek kan geplaatst worden in het kader van de defensie-samenwerking van Suriname met de VS om de veiligheid in Suriname, maar ook in de regio, te waarborgen. Minister van Defensie Krishna Mathura zegt dat het cruciaal is dat de defensie-samenwerking tussen beide landen geïntensiveerd wordt. Het bezoek van admiraal Feller gaat om het intensiveren van de samenwerking, in het bijzonder om capaciteitsversterking en gezamenlijke trainingen, aldus de bewindsvrouw. Nadat ex-vicepresident, tevens NDP-parlementariër Ashuna Dean, op 10 december 2020 in staat van beschuldiging is gesteld, is hij geruime tijd niet meer gezien op vergaderingen van de Nationale Assemblée. We zien het geachte lid Adin al geruime tijd niet, zei VHP-parlementariër Mahinder Yogi gisteren bij de start van de algemene politieke beschouwingen. Yogi vroeg of de NDP-fractieleider enige duidelijkheid hierin kon verschaffen, omdat in de afgelopen periode zowel André Misikaba als Sergio Akimboto hebben bedankt. Volgens de VHP'er is daarom een zekere trend te merken bij de NDP-fractie. Waarnemend NDP-fractieleider Melvin Bova bracht het college in herinnering dat vanwege COVID-19 de leden geruime tijd niet bij elkaar zijn geweest en nu ook niet alle leden tegelijk in de vergaderzaal hoeven te zijn. Er is helemaal niets aan de hand, aldus Bova. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft maandag enkele aanstellingen van leidinggevende van diverse afdelingen binnen het ministerie bekendgemaakt. Met ingang van maandag zijn aangesteld meester Natasha Benanon als directeur administratief en technisch beheer, Juro Dipotaruno als waarnemend directeur algemeen vormend onderwijs, Gracia Ormskerk als directeur beroepsonderwijs en Dorothy Hoever als waarnemend onderdirecteur technische diensten. Minister Levens vraagt alle medewerkers op haar ministerie om de nieuw aangestelden alle ondersteuning te geven bij het uitoefenen van hun taak. In het district Nikeri is het afvoerkanaal bij de Krapa-Ukulaan aangepakt. Dit geeft VHP-parlementariër Stefan Matsale van het district Nikeri te kennen aan Dagblad Suriname. Hij geeft aan dat dit afvoerkanaal aan de Krapa-Ukulaan al jaren niet was opgehaald. Hierdoor hebben de bewoners te kampen met verstoppingen en of wateroverlast. Op verzoek van de buurtbewoners is door de RR-leden van Resort Oost een beroep gedaan op de desbetreffende instanties. Ook hebben deze leden het DNA-lid benaderd. Matsale heeft het initiatief genomen en mede dankzij een donateur, het ministerie van Openbare Werken en de DC is er werk van gemaakt. Het kanaal wordt opgehaald en verder uitgediept, aldus Matsale.